नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। जिले के दूरस्थ क्षेत्र रसौकी के पास 3 दिनों से विराजे 7 हाथियों के दल में से 1 हाथी बेहोश हो गया है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, लेकिन अभी तक उद्यान अमला नहीं पहुंच सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 हाथियों का दल गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान परिक्षेत्र महोली के रसौकी गाँव में 7 हाथी 3 दिनों से डटे हुए थे। आज 3 बजे बरंगा नदी के पास 1 हाथी बेहोश मिला, जाने पर ग्रामीणों ने जानकारी उद्यान कर्मियों को दी, लेकिन अभी तक उद्यान अमला नहीं पहुंच सका है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ ने बताया कि 1 हाथी के बेहोश होने की सूचना मिली है और तत्काल मौके के लिए रवाना हो गए हैं। गौरतलब है कि 3 दिनों से 7 हाथियों का दल रसौकी में है और कई ग्रामीणों की फसल को चट कर बर्बाद कर चुके हैं। जिले में कई हाथियों सहित मानव की जान जा चुकी है। पिछले वर्ष इसी महीने में ओड़की ब्लॉक के खेरा गाँव के समीप 6 से 7 हाथी बेसुध गिरे पड़े हुए हैं। गिरे हुए हाथी ना तो खड़े हो पा रहे हैं और ना ही चल पा रहे हैं। डॉक्टरों सहित विभाग की टीम ने हाथियों का उपचार किया था, लेकिन आज तक यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह हाथी कैसे और क्यों बेहोश हुए थे। जी, इस बोर्ड में 23 किलोमीटर लिखा हुआ है बिहारपुर से रसौकी। जी लिखा हुआ है, लेकिन है हकीकत उंझर तक 23 किलोमीटर दूर। यहाँ से रसौकी लगभग 12 से 15 किलोमीटर के बीच में है, वहाँ रोड नहीं है। आप देख सकते हैं कि सामने रोड की स्थिति क्या है। यहाँ बॉर्डर बनी हुई है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की, यहाँ के पास रोड नहीं है। लेकिन ग्रामीणों को भयभीत करने के लिए विभाग द्वारा बोर्ड में लगा दिया गया है कि बिहारपुर से रसौकी की मार्ग 23 किलोमीटर दूर है, लेकिन हकीकत देखा जाए तो यहाँ से बिहारपुर से और रसौकी की मार्ग कम से कम 30 से 35 किलोमीटर दूर की मार्ग है। तो ये पढ़े लिखे अधिकारी क्या जानबूझ के गलती करते हैं कि पढ़े लिखे गंवार वाली बात करते हैं? ये पढ़े लिखे गंवार वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है इसमें। अगर निर्माण कार्य की बात करें तो क्या इसमें भी गोलमाल है क्या? जी, यहाँ तक कि अपने ठेकेदार, जिस विभाग से काम हुआ है वो ठेकेदार का नाम है, न कब कार्य पूर्ण हुआ, न ही लागत राशि है। इस आप बोर्ड में देख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सब गोलमाल है। जी इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।